तो गाइस यही है फूलपुर मार्केट, और ये फूलपुर मार्केट से डायरेक्टली सवाना आजमी कैफी आजमी का जो घर है वो 3 किलोमीटर पे है। हम आपको लिवा कर वहाँ पे जहाँ पे चल रहे हैं उनका घर दिखाएंगे, उनके सारे चीज़ें जो कि जो जो चीज़ें वो बनवाए हैं वो दिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ों से आपको मुखातिब कराएंगे। तो ये जो मोड़ जाता है ये आप देख सकते हैं ये मंदिर के पास से यही सीधा मिजवा में जाएगा। यहाँ पे देखिए डिलीवरी वाले भी खड़े हैं, तो आइए आपको मिजवा में लिवा कर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का पूरा सीन। तो जिसे जो है फूलपुर मार्केट बोली जाती है जो कि आजमगढ़ ज़िला में मौजूद है। चलिए मिजवा में चलते हैं। गाइस टहलते टहलते हम सवाना आजमी जी के गांव में आ चुके हैं और सवाना आजमी जी कैफी आजमी जी जो कि बहुत ही मशहूर जो है हस्ती हैं। कैफी आजमी जी के बारे में आपको शायद अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि वो जो है उर्दू शायरी में उन्होंने जो है कदम रखा था बहुत ही साल पहले, अभी तो वो नहीं रहे, लेकिन सवाना आजमी जी जो फिल्मी दुनिया में अभी भी मौजूद हैं। अच्छा ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वेलफेयर सोसाइटी उन्हीं की बनाई हुई है, इसमें सिलाई वगैरह जो है सिलाई वगैरह का काम होता है, मतलब कि बच्चियों को सिखाया जाता है। उसके बाद जब बच्चियां सीख जाती हैं तो कुछ पैसे लेकर सिखाया जाता है, जब सीख जाती हैं तो सीखने के बाद फिर जो है उनको यहीं पे काम दे दिया जाता है। ये जो है बहुत ही अच्छी बात यहाँ की है। और सबसे खास बात और गाइस जो इस एरिया में जो भी डिलीवरी वगैरह नहीं होती है, डिलीवरी जो पार्सल आता है वो सबसे पहले यहाँ पर आता है, यहाँ से होके तब जाके जो है और जगहों पर जाता है। और ये जो है फूलपुर से मिजवा जैसे कि मैं आपको बताता आया हूँ रास्ते में, उसी तरह से आपको आना होगा। और ये जो वेलफेयर सोसाइटी आई है मैं आपको सामने से इसको दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो वेलफेयर सोसाइटी है, मैं अभी इसी की बात कर रहा था। यहाँ पे जो है बच्चियों को सिलाई वगैरह का पूरा साधन दिया जाता है, पूरा उनको सिखाया जाता है किस तरह से, मतलब कि पूरी बहुत ही अच्छी तालीम यहाँ पे मिलती है। और आइए मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ, उसके बाद जो है उनके घर पे लेके चलते हैं, उनका घर पास ही में है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये भी जो है कैफी आजमी स्पोर्ट्स एकेडमी है, ये उन्हीं की बनाई हुई है और उन्हीं के नाम पर बनी हुई है, मिजवा फूलपुर और क्या आजमगढ़ यूपी लिखा हुआ है इस पर। आइए इसके अंदर की तरफ लेकर चलते हैं, फिर इसके बाद जो है आपको घर का नज़ारा दिखाते हैं उनके घर का। तो आइए अंदर की तरफ पहले चलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो गाइस ये देखिए ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा इस तरह से जो अभी तो घास उस आ गई है क्योंकि खेला जाता है नहीं खेला जाता है यहाँ पे, अच्छा ज़्यादा नहीं खेला जाता है। तो ये जैसे कि आप सामने देख सकते हैं वहाँ पे, आइए उसके पास लेकर चलते हैं वहाँ पे क्या है आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ में जो है यहीं के मिजवा गाँव, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ तो हमारे साथ में जो है मिजवा गाँव के जो है एक हैं अभी कम उम्र के हैं, लेकिन जो है इनसे भी कुछ पूछते हैं। तो कभी जो है ये सवाना आजमी जी यहाँ पे आई हैं आपके होश में, कभी आपने देखा है कि नहीं देखा? हाँ, है देखे बहुत हैं और आई भी हैं। अच्छा अच्छा, वो उनके अपने घर में रुकी है ना? हाँ, वो 3-4 महीने खातिर आती हैं। 3-4 महीने के लिए? हाँ। 3-4 महीना रुक के तब जाती हैं या 3-4 महीने बाद आती हैं? 3-4 महीने रुक के तब जाती हैं। अच्छा हाँ, तो गांव में पूरा जिसे तांता लगता है, जिसे यहाँ के लोग आके जुड़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता? हाँ आके जुड़ते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। तो गाइस ये देखिए जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो है जो अभी बाहर से मैं आपको गेट से दिखाता लाया हूँ ये उसका ये बना हुआ है यहाँ पे, शायद आप अंदर देख सकते हैं ये उन्हीं का बना हुआ है जो है उन्हीं का बनाया हुआ। और बहुत सारे लोग अभी भी आके खेलते होंगे यहाँ पे कि नहीं? हाँ आते हैं और कराटे भी करते हैं। अच्छा कराटे भी करते हैं, मार्शल आर्ट वगैरह यहाँ पे जो है करते हैं आके? अच्छा मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, कोई सिखाने वाला आता है ट्रेन करने वाला? टीचर आते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से है ये, आप देख सकते हैं एकदम VIP टाइप का बना है। जैसा कि आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर जो है जो मार्शल आर्ट सिखाने आते हैं या फिर जो करते हैं उन्हीं लोग, वो जो मार्शल आर्ट जो है देखिए आप देख सकते हैं बना हुआ है पूरा, मतलब कि लेफ्ट में जो पहली तस्वीर है उसमें देखिए, फिर उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर उस पर देखिए, उसमें देखिए, क्योंकि इसमें जो है ताला लगा हुआ है इसलिए इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। और जो यहाँ पर एक जो पुल है वो भी पुल जो है बहुत पुराना बना हुआ है, जो डायरेक्टली यहाँ मिजवा से फूलपुर की तरफ जाता है, उस पुल पे आपको लिवा कर चल रहे हैं। तो गाइस जैसा कि ये जो पुल है ना इसको जो है जो इसके नीचे जो ये नदी बह रही है इसको कुंवर नदी बोला जाता है, ये कुंवर नदी के नाम से मशहूर है। और ये पुल जो है डायरेक्टली आपको फूलपुर मिजवा से फूलपुर और फूलपुर से मिजवा तक जो है आपका सफ़र पूरा कराएगा। यहाँ से आप फूलपुर जा सकते हैं और फूलपुर से मिजवा आ सकते हैं। मैं जिस रास्ते से आए वो भी रास्ता है, लेकिन ये भी एक रास्ता है जो आपको यहाँ तक ला सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो है अगर यहाँ पे कोई मूवी बनाना हो वो भी भोजपुरी की तो बहुत अच्छी शूटिंग होगी। अच्छा यहाँ पर फिल्में भी बन चुकी है? हाँ। कौन सी फिल्म? अरे
औलाद की चाहत कोई फिल्म थी वो जो है यहाँ पे शूट हुई थी और मिरक्षम मिरक्षम बाबा आदमी की उससे। अच्छा अच्छा मिरक्षम और औलाद की चाहत ये दो फिल्में भी यहाँ पे जो है शूट हो चुकी हैं। यहाँ ये जो बाग आप देख रहे हैं ना ये जो है सबाना आजमी जी की ही है, कैफी आजमी जी की ही है और किसी और की नहीं है। तो उनका घर है जो है सबाना आजमी और कैफी आजमी के घर की देखभाल करते हैं और इनसे जो है आए हैं थोड़ा सा की वगैरह ले लेते हैं क्योंकि शायद घर बंद होगा, इनसे मुलाकात करके तब जाके वहाँ पे चलते हैं। ये इनका नाम जो है सीताराम नाम है, तो बुलाते हैं उनको और जो है उनसे की वगैरह लेकर वहाँ पर चलते हैं। लोगियाँ कर ही ली हैं अंदर की, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पेपर चल रहता है टाइम पे ना, तो जैसे कि सब जैसा कि आप देख सकते हैं हम जो है सबाना आजमी जी के कैफी आजमी जी के घर पे जो है आ चुके हैं। ये उनका घर है और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये मेन गेट है, आइए अंदर की तरफ लेकर चलते हैं। चाचा जी जो है चाबी लेकर आए हैं तो आपको जो है अंदर का नज़ारा फुल नज़ारा आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को अगर। तो गाइज़ ये देखिए जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बिना आज्ञा प्रवेश मना है, बिना इजाज़त अंदर आना मना है, और ये गेट है। उसके बाद ये अंदर की तरफ जो है रास्ता जाता है, ये उनके घर का ये इस तरह से जो है बना हुआ है और यहाँ पे पेड़ वगैरह भी लगे हुए हैं और ये गाड़ी भी UP 42 शायद इन्हीं की होगी। और ये इस तरह से घर, आइए थोड़ा सा अंदर जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ पर आपको जो है दिखाते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैफी आजमी जी का फ़ोटो लगा हुआ है और ये चाचा जी यहाँ पे जो देखभाल करने वाले वो यहाँ पे देखिए इनका जो है फ़ोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शेर व शायरी के साथ हिंदी में उर्दू में दोनों जो है शब्दों में लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा ये। और ये उन्हीं का फ़ोटो जो है लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि उनके ये जो देखिए कैफी आजमी लिखा हुआ है ये उनकी यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उनके फ़ातेह हुसैन उनके पिताजी यानी जो सबाना आजमी हैं उनके दादाजी हैं और ये उनके पिताजी। देखिए अंदर की तरफ लेकर चल रहे हैं आपको जो है अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। जैसे कि ये देखिए सीढ़ी बनी हुई है, ये ऊपर जाने के लिए पहले आइए थोड़ा सा ये अंदर का दिखा देते हैं, उसके बाद जो है सीढ़ी से आपको दिखाएंगे। चाचा जी भी थोड़ा जल्दी में है क्योंकि इनके जो है किसी की मृत्यु हो गई है इन्हीं के रिलेशन में। तो गाइज़ ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये उनके अंदर जो घर है, घर के अंदर का ये पूरा हिस्सा है, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे उनकी जो है कुर्सियाँ हैं। और ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं ये हरी टाइप की आपने देखा होगा, ये जो है तो ये जो आप कुर्सी देख रहे हैं ये उन्हीं की है, ये जो है इस पर कैफी आजमी जी बैठते थे और यहाँ पे इस तरह से सारी तस्वीरें लगी हुई है और वहाँ पर जो है कैफी आजमी जी का फ़ोटो लगा हुआ है, वो चाचा जी खड़े हैं। और ये देखिए ये जो है उन्हीं के टाइम का सब बना हुआ है और यहाँ पे देख लीजिए ये जो है फ़ोटो देख लीजिए, ये सबाना आजमी जी का, ये उनके भाई हैं जी ये उनके भाई हैं और वो हैं। फिर उसके बाद ये जो है उनकी माता जी हैं क्या? हाँ उनकी माता जी हैं सबाना आजमी जी की। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है कैफी आजमी जी हैं और ये सबाना आजमी जी के बचपन का फ़ोटो शायद लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैफी आदमी जी हैं, नहीं जावेद अख्तर। अच्छा हाँ ये जावेद अख्तर जी हैं।
और यहाँ पे भी जावेद अख्तर जी हैं, और ये आप इस तरह से देखिए तस्वीरें भी लगी हुई हैं यहाँ पे, और ये गणेश जी की मूर्ति भी यहाँ पे लगी हुई है। तो ये देखिए मनमोहन सिंह जी के साथ शबाना आज़मी जी का फ़ोटो यहाँ पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है रास्ता उनके सीढ़ी पे छत पे जाता है, उनके सीढ़ी से होते हुए, और ये छत का है, इस तरह से उनका घर है। हालांकि जैसे कि बताया जाता है कि आती हैं जो है कभी साल दो साल पे आती हैं, तो महीना दो महीना तक रहती हैं, और अभी तो फिल्म से जो है उसमें राजनीति में भी हैं तो आना जाना होता रहता है। ये देखिए जैसे कि उनका छत है, हाँ बॉलीवुड तो है, बाहर खेत है। और ये जैसे कि ये अच्छा खेत तो उन्हीं का है, खेत है वो घर है। अच्छा अच्छा ये खेत वगैरह सब जो है उन्हीं का होगा शायद, खेती वगैरह होती है। और ये इस तरह से है, जितनी चीज़ें मैं आपको दिखाया हूँ शायद ही आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक दे देना, और हाँ शेयर नहीं करते हैं शेयर कर देना, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया करें, क्योंकि जो है मैं ये सब कोशिश जो है आपके लिए, ये छोटी सी जो कोशिश होती है ये सिर्फ आपके लिए होती है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।